नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा पेपर सेकंड का फोर्थ टॉपिक है टेक्सटाइल फिनिशेस, जिसकी क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड पर्पस ऑफ फिनिशेस। तो फिनिशेस के बारे में देख लेते हैं, परिसज्जा क्या होती है, परिष्कृत क्या होती है, कपड़ों पर किस तरह से परिष्कृत किया जाता है। तो उसमें हमारे तीन तरह के आते हैं, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत तीन तरह की होती हैं, जिनमें हमारी आ जाएगी फैब्रिक फिनिशेस, टेक्सचरिंग फिनिशेस और फंक्शनल। तो ये तीन तरह की आती हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक फिनिशेस की बात करते हैं। फैब्रिक फिनिशेस, ये इसमें आ जाएगा सिंगिंग, कुटाई तथा ब्रशिंग, कड़ा करना तथा भरना, टेंटरिंग, ये आते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगिंग की बात करते हैं, जिसमें झुलसाकर सतह को चिकना करना होता है। इस प्रक्रिया से वस्त्र की ऊपरी सतह पर छूटे हुए रोए तथा छोटे रेशों के सिरे को झुलसाकर वस्त्र पर से साफ कर दिया जाता है। झुलसाने की क्रिया वो तांबे के रोलरों के द्वारा की जाती है। झुलसाने की जो क्रिया है वो तांबे के रोलरों द्वारा किया जाता है, जो वाष्प से गर्म होते हैं। रोलर सर्वप्रथम वस्त्र की सतह पर फटे रोए आदि को ऊपर उठा देते हैं। बाद में वस्त्र को तेजी से गर्म प्लेट पर से निकाला जाता है, जिससे रोए झुलस कर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है सिंगिंग। फिर आता है कुटाई, बीटिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, बीटिंग, बुनने के बाद करघे से उतारे हुए वस्त्र को बुनाई उखड़ी रहती है, जो बुनाई होती है वो थोड़ी उखड़ी रहती है और बीच के छिद्र भी दिखाई देते ही रहते हैं। इस क्रिया के द्वारा लकड़ी की हथौड़ियों से वस्त्र की सतह को कूटा जाता है, जिससे प्रत्येक रेशा एवं धागा दबकर चपटा होता जाता है तथा फैलकर छिद्रों को भर देता है। इससे रचना सघन हो जाती है और कपड़े की सतह चिकनी हो जाती है। इस प्रक्रिया से स्वयं चमक आ जाती है, मशीनों में ये हथौड़ियाँ लोहे की होती है, रोलरों पर चढ़ा कपड़ा घूमता जाता है और हथौड़ियों के गिरने उठने का क्रम बराबर ही रहता है। और इस प्रकार के कपड़े को कुटाई, ये जो प्रक्रिया है वो कुटाई चलती रहती है। फिर आती है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। इसमें कटाई प्लस ब्रशिंग कैसे होगी वस्त्रों पर, कि उसे और अच्छे से परिष्कृत किया जा सके, देखने में और अच्छे लगें वस्त्र। तो इस विधि के द्वारा वस्त्र की सतह पर चिपके रोएं तथा छोटे रेशों के छोरों को काट दिया जाता है। तत्पश्चात ब्रश से झाड़कर इन्हें साफ कर दिया जाता है। कटाई का काम घूमे हुए ब्लेडों के सिलेंडर मशीनों से किया जाता है। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार घास काटने की मशीन से घास काटी जाती है। वस्त्र पर रोई की कटाई और ब्रश से चढ़ाई साथ ही साथ होती है, यानी कटाई और उसकी जो ब्रश से साफ करना, झड़ाई, दोनों साथ ही साथ होती है। इस काम के लिए ब्लेड और ब्रश एक ही मशीन में फिट रहते हैं। इस प्रकार की कटाई और झड़ाई वस्त्रों की दोनों सतहों पर एक साथ ही होती है। अब आता है कड़ा करना तथा भरना, जिसे साइजिंग एंड ड्रेसिंग बोलेंगे। यह परिसज्जा रचना संबंधी दोषों को छिपाने, छिद्रों को बंद करने तथा वस्त्र में कड़ापन और ताजगी लाने के लिए दी जाती है। साइजिंग देने के लिए मोम, गोंद, चीनी, मिट्टी, माड़, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वस्त्र पर चिकनापन और चमक लाने का काम भी किया जाता है। यह काम तले पैराफिन, ग्लिसरीन, मोम आदि से किया जाता है। सीजिंग, जिस प्रकार सीजिंग यानी कड़ापन जिस प्रकार से दी जाती है, उसे ऐसे हॉज में रखा जाता है जिसमें से रोलर बराबर डूबते निकलते रहते हैं और वस्त्र को इन्हीं रोलरों के बीच से निकाला जाता है। इस प्रकार एक साथ ही वस्त्र की दोनों सतहों पर साइजिंग चढ़ जाती है और साइजिंग की मात्रा के अनुसार ही इसका घोल तैयार किया जाता है तथा वस्त्र पर वांछित साइजिंग लाई जाती है। अब आती है टेंडरिंग। टेंडरिंग से किस तरह से वस्त्र में परिष्कृत किया जाता है। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते करते वस्त्र पर बहुत ही खिंचाव एवं तनाव पड़ता है, जिनसे इसकी चौड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए दोनों तरफ के किनारों को सीधा करके वस्त्र का आकार
स्थिर किया जाता है। इस क्रिया का नाम टेंटरिंग है और इससे वस्त्र सभी स्थानों पर एक समान चौड़ाई का बन जाता है। टेंटरिंग के यंत्र में दोनों ओर हुक की श्रृंखला रहती है। इन्हीं हुकों पर के सेल्वेस को फंसा दिया जाता है। फ्रेम पर तान देने के बाद वस्त्र पर वाष्प लगाया जाता है, जिससे वस्त्र के जिस स्थान पर थोड़ा फैलने की आवश्यकता होती है वहाँ प्रसारित हो जाता है और जहाँ थोड़ा दबने की आवश्यकता है वहाँ थोड़ा संकुचित हो जाता है। जब सभी स्थानों का आकार ठीक अवस्था में आ जाता है तब इसे गर्म करने की कृत्रिम विधि के द्वारा सुखा दिया जाता है और इस प्रकार वस्त्र पूर्ण रूप से सीधा हो जाता है और सुंदर समान चौड़ाई का बन जाता है। फिर आता है विरंजक, जिसे ब्लीचिंग बोलते हैं। उससे किस तरह से वस्त्र को परिष्कृत करेंगे? वस्त्रों को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग तथा बुनाई के समय के दाग धब्बे और अशुद्धियों से मुक्त करके उन पर सफ़ेदी लगाई जाती है। श्वेत वस्त्र सुंदर लगते हैं तथा बाद में इन पर कोई भी रंग एवं छपाई सुंदरता से हो सकती है। श्वेत और उज्ज्वल सतह किसी भी सतह की परिसज्जा के लिए उत्तम संग्राहकता प्रस्तुत करती है। व्यंजन या ब्लीचिंग का काम धागों पर भी किया जाता है अथवा यह तैयार वस्त्र पर भी किया जा सकता है। सूर्य की किरणें प्राकृतिक विरंजक होती है। सूती वस्त्र तथा लिनन आदि वनस्पतिक रेशों के लिए ऑक्सीकरण कर्मक जैसे क्लोरीनेट चूना तथा हाइपोक्लोरिक एसिड का यूज विरंजन क्रिया के लिए किया जाता है। ऊन तथा सिल्क के लिए डीऑक्सीडाइजर तथा अपचयन कर्मक की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक सुरक्षित विरंजक है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसे हल्के घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार व्यंजक पदार्थ रेशों की प्रकृति के अनुकूल और उनकी गुणधर्म के अनुरूप ही चुने जाते हैं जो उन्हें उज्ज्वल बनाते हैं। अब आता है कैलेंड्रिंग चमक लाने के लिए किया जाता है। इसमें यह वास्तव में बड़े पैमाने पर इस्त्री करने की ही क्रिया है। वस्त्र को ऐसे रोलरों के बीच से निकाला जाता है जो बड़े भारी होते हैं। इन पर उत्तम पॉलिश रहती है और ये रोलर गर्म भी रहते हैं। ऐसे रोलर जब वस्त्र पर दोनों ओर से भारी दबाव डालते हैं तब वस्त्र शीघ्रता से सीधा चिकना और चमकदार होता जाता है। वांछित चमक और चिकनाहट लाने के लिए इसे बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया का परिणाम दबाव, ताप तथा नमी पर साथ ही साइजिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों पर अलग अलग मात्रा में कैलेंड्रिंग की जाती है। कोमल रेशों पर कैलेंड्रिंग करने वाले रोलरों और रोलर कम भारी तथा कम गर्म रखे जाते हैं। फिर आता है मर्सराइजिंग, ये केमिकली रूप से परिष्कृत किया जाता है। सूती वस्त्रों की परिसज्जा की यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे लिनन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग खुरदरी सतह वाले वस्त्रों पर चिकनाहट एवं चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह एक अविरल प्रक्रिया है। इसमें विशेष रूप से तैयार कास्टिक सोडे के घोल में वस्त्र को 10 मिनट के लिए डुबोया जाता है। साथ ही उस पर एक समान मात्रा में ताप, तनाव और दाब दिया जाता है। बाद में कास्टिक सोडे को धोकर निकाल दिया जाता है और उसकी निष्फलन के लिए वस्त्र को अम्ल की तनु घोल में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात स्वच्छ पानी से धो डाला जाता है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से रेशे फूल जाते हैं तथा दबाव पड़ने से चपटे होकर बनावट के छिद्रों को बंद कर देते। कास्टिक सोडे निश्चित मात्रा के ताप एवं तनाव के मिले जुले प्रभाव से रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रत्येक रेशा फूलकर लंबाई में सिकुड़ जाता है तथा मोटाई में फैल जाता है। इस प्रकार इसकी 20% शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही वस्त्र की रचना भी सघन हो जाती है। वस्त्र की सघन एवं समतल जमीन चिकनी और चमकदार हो जाती है। सूती वस्त्र पर इस प्रक्रिया का प्रभाव उत्तम पड़ता है।
वस्त्र मजबूत और टिकाऊ बन जाते हैं, उनमें सिल्क के समान चमक आ जाती है। चिकनी सतह के कारण वे जल्दी गंदे नहीं होते। इस प्रक्रिया से वस्त्र की अवशोषकता भी बंद हो जाती है, उनमें रंगों के प्रति सादृश्य उत्पन्न हो जाती है। इन पर सरलता से रंगाई और छपाई होती है तथा रंग पक्के चढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, ये दूसरा हमारा आ जाता है टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहला है नक्काशी करना, जिसे इम्बॉबिंग कहेंगे। नक्काशी करना, इस विधि से वस्त्र पर उभरी हुई आकृतियों के नमूने उभारे जाते हैं। ऐसे नमूनेदार नक्काशी उन्हीं वस्त्र के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों पर की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम वस्त्र की सतह पर रासायनिक रोल सर्वप्रथम वस्त्र की सतह पर रासायनिक रोल को जमाया जाता है। इसके बाद भारी गर्म रोलरों से जिन पर नमूने अंकित रहते हैं दबाव डाला जाता है। नमूने रोल की उपस्थिति के कारण वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। ताप सुनम्य रेशों से निर्मित वस्त्रों पर इस विधि से बनाई नक्काशी बिना किसी सहायक पदार्थ के भी स्थायी रूप से अंकित हो जाती है, परंतु अन्य वस्त्रों के लिए रासायनिक रोल की सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। व्यंजन से इन नमूनों को क्षति पहुंचती है। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें हल्के गर्म पानी और कोमल साबुन से धोना चाहिए। नक्काशी किए गए वस्त्रों पर गीली हालत में इस्त्री वर्जित है। उभरी आकृति एवं तही नमूनों को भी वस्त्रों पर बनने की परिसज्जा प्रक्रिया को एम्बॉबिंग कहते हैं। इसके लिए नमूने खुदे हुए रोलरों का प्रयोग होता है। ऊन के अतिरिक्त सभी वर्ग के बने वस्त्रों पर इस विधि से परिसज्जा दी जा सकती है। फिर आता है मोयरिंग वस्त्रों पर नमूने अंकित करने वाली परिसज्जा है, जिससे संपूर्ण वस्त्र की सतह पर जल की लहरों के सदृश विवरण चिन्ह बन जाते हैं। इसके बाद इन पर बारीक एवं सूक्ष्म रेखाएं बनाई जाती हैं, जिन पर प्रकाश किरणों के प्रतिबिंबित होने से वस्त्र की सतह पर अनोखी चमक उत्पन्न हो जाती है। रोएं उठाना नैपिंग, इस प्रक्रिया में कांटेदार रोलरों की सहायता से वस्त्र की पूरी सतह पर रोएं उठा दी जाते हैं। बाद में इन्हें समान ऊंचाई का काट छाट कर बना दिया जाता है और वस्त्र रोएदार बन जाते हैं। इस प्रक्रिया से वस्त्र में कोमलता आ जाती है तथा उष्णता का गुण उत्पन्न हो जाता है। रोएं के बीच वाले रिक्त स्थानों में वायु ठहर कर स्थिर हो जाती है और गर्म होकर अपने विसंवाही गुण से वस्त्र में गर्मी लाते हैं। फ्लैनेल वस्त्र के इसी विधि से बनाया जाता है। कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा दी गई परिसज्जा वस्त्र की बुनाई एवं रचना संबंधी दोषों को छुपाने के लिए की जाती है। फिर तीसरा हमारा टाइप वो आ जाता है फंक्शनल। फंक्शनल में हमारा आ जाएगा जल भेद्य, जिसे वाटर प्रूफिंग कहेंगे। ये क्या है जल भेद्य? कुछ वस्त्रों को जल भेद्य बनाया जाता है। इन वस्त्रों के प्रयोग का उद्देश्य पानी के प्रवेश को रोकना है। तिरपाल, बरसाती आदि में इन गुणों को का होना अनिवार्य है। इस काम को करने के लिए वस्त्रों पर जलभेदी परिसज्जा दी जाती है। जलभेदी परिसज्जा में वस्त्र की सतह पर रबर अथवा प्लास्टिक की रासायनिक रोल की तरह जमा दी जाती है। इस प्रक्रिया से बुनाई के कारण बने छिद्र बंद हो जाते हैं और रेशे ढक जाते हैं, अतः पानी ऊपर से ही फिसल कर बह जाता है और भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है, परंतु वस्त्र का झिझरापन समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य और आराम की दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं। रबर के प्रयोग से यदि यह परिसज्जा दी जाती है तो कुछ समय बाद रबर की चटक जाने से पानी अंदर जाने लगता है। आजकल जल निवारक यानी वाटर रिपेलेंट मोम का घोल और मेटेलिक सोप लगाया जाता है। यह परिसज्जा अस्थायी, परंतु इसे दोबारा लगाया जा सकता है। ये हमारा हो गया जल भेद, वाटर प्रूफिंग। फिर है अज्वलनशील परिसज्जा, फायर प्रूफिंग, अग्नि अवरोधक जिसे बोलते हैं। अग्नि बुझाने वाले व्यक्तियों की पोशाक तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जो अग्नि से अप्रभावित रहें।
अज्वलनशील तथा अग्निशिखा को हटाने वाले वस्त्र फ्लोमी रिट्रेडेंट यानी अग्निशिखा को हटाने वाले बनाने के लिए साधारण वस्त्र के ही दोनों ओर ऐसे मसाले लगाए जाते हैं जो अग्नि नहीं पकड़ते। वस्त्र की दोनों सतह पर अमोनिया सल्फेट का इतना मोटा स्तर बैठाया जाता है जिससे भीतर के धागे पूर्णतया छिप जाते हैं और ऊपर मसाला जो अज्वलनशील होता है आग से धागों की रक्षा करता है। इस मसाले से वस्त्र की कोमलता और लचीलापन भी नष्ट नहीं होता और इन्हें पहनकर कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होती। इस परिसज्जा की रक्षा के लिए इन्हें सूखी धुलाई से ही स्वच्छ करना अच्छा रहता है। फिर तीसरा आता है कीड़ों से बचाना, जिसे मोथ प्रूफिंग कहते हैं। वस्त्र की कीड़ों से रक्षा करने की व्यवस्था भी विशिष्ट परिसज्जा के द्वारा संभव होती है। प्रायः उन्हीं कपड़ों को कीड़े काट कर नष्ट कर डालते हैं, अतः किसी उन्हीं वस्त्र पर परिसज्जा दी जाती है। कीड़ों से बचाने के लिए कुछ विषैले रसायनिक जैसे फ्लोराइड तथा सिल्कोफ्लोराइड को वस्त्र की सतह पर लगाया जाता है। ये रसायन कीड़ों के लिए विष के समान निषेधक सिद्ध होते हैं। कीड़े ऐसे वस्त्रों से विलग्नता के इच्छुक रहते हैं तथा इनके समीप ही नहीं फटकते हैं। वैसे तो धूप, प्रकाश, नीम की पत्ती, गैस तथा अन्य दवाइयां भी वस्त्रों की कीड़ों से रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है, परंतु स्थायी रूप से कीड़ों से बचाने के लिए परिसज्जा इस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र पर सदैव के लिए लगा दी जाती है। फिर आता है फफूंदी से बचाओ। वस्त्र निर्माण में काम आने वाले कुछ रेशे फफूंदी से प्रभावित होते हैं। फफूंदी लगाने से इन रेशों से निर्मित वस्त्र सड़कर गल जाते हैं। फफूंदी की उत्पत्ति के कारण वस्त्र का बहुत दिनों तक सीलन वाले स्थान में बंद पड़े रहना, इसके कारण वस्त्र पर काली काली नन्ही नन्ही चित्तियाँ सी पड़ जाती हैं जो रेशों को गला देती हैं। यह नष्टकारी वृद्धि विशेष रूप से सूती वस्त्रों पर उत्पन्न हो जाती है। इसकी वृद्धि से वस्त्र पर लगाया गया माट भी सहायक होता है। फिर लास्ट हमारा आ जाता है सॉयल रिलीफ फिनिश। इसमें क्या है, फिनिश इस प्रकार इस प्रकार की परिसज्जा वस्त्रों को शीघ्र गंदा होने से बचाने के लिए दी जाती है। इससे धूल के कणों के सटने से बने तेलीय धब्बों को घर की धुलाई के ही द्वारा आसानी से छुड़ाया जा सकता है। इसके कारण कपड़ा धूल कणों से विलग्न रहता है, उज्ज्वलता को संधारित रखता है और धुलाई के पात्र में मलिनता के दोबारा जम जाने की को रोकता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है फिनिशेस का। इसके बारे में इनकी सारी चीज़ें जो टाइप्स है, इनका पर्पस क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या है, सब कुछ इसने देख लिया है। किन किन वस्त्रों में इनका यूज़, कौन कौन से केमिकल है जिनका यूज़ होता है फिनिशेस में, बाकी इनके तीन टाइप्स भी देख लिए हैं। तो इस वीडियो में हमारा ये फिनिशेस समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाई एंड डाई देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।